रहे हैं। क्लास मैमेलिया बच अच्छा मैमेलियन क्लास बचा हुआ है, ठीक है उसको डील करते हैं, उसके बाद हम लोग पॉल्यूशन चैप्टर पे आएंगे। मैमल क्लास द मोस्ट एडवांस्ड क्लास इन एनिमल किंगडम, फाइन। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, फाइन। दैट मैमेरियन ग्लैंड हेल्प्स इन द नर्चरिंग ऑफ द बेबी। The members are cosmopolitan. Cosmopolitan कहने का मतलब होता है कहीं पे भी प्रेजेंट होना, ठीक ना? That is cosmopolitan. ठीक है? The body is divided into head, neck, trunk and tail with movable eyelids. इसका eyelid मूव कर पाते हैं जैसे आप अपने में महसूस कर पा रहे होंगे। Mammary gland are found in female for feeding the baby. इसका मतलब पता ही है। The body is covered by a coat of hairs. ठीक है, our body has hairs. Fishes के पास hairs नहीं रहता है, reptiles के पास hairs नहीं रहता है। ठीक है, cutaneous gland such as sweat gland and oil glands are present. Are present. रहते हैं ये सब। They have two pairs of pentadactyle limbs. Pentadactyle कहने का मतलब पांच फिंगर वाले, ठीक है। External ear है जिसको पीना कहते हैं। Respiration is by one pair of lungs, means we have two lungs. Thorax and abdomen कहने का मतलब क्या, diaphragm के बारे में। Diaphragm means this structure. This is diaphragm. Fine. So diaphragm कहाँ पर present है? Thorax and abdomen. This region is called thorax. इस region को thorax कहा जाता है। जिस cavity को thorax कहेंगे, उसके नीचे belly रहता है, जिसको abdomen कहते हैं। So diaphragm दोनों के junction पे present है। RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं है, दे एक्सक्रीट यूरिया, इसलिए इसको हम लोग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। फाइन, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मींस दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फाइन, सेक्सेस सेपरेट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मैक्सिमम आर विविपेरस, फ्यू आर ओविपेरस, जिसको हम लोग एग लिंग मैमल्स कहते हैं, जैसे कि प्लैटिपस होगा, इक्डिना हो गया, है ना, एंटेटर, दिस इज एंटेटर प्लैटिपस, फाइन। एंड सम कांगरू की बर्थ टू वेरी पोली डेवलप यंग वन, फाइन। पोरली डेवलप कहने का मतलब कि अभी वेल डेवलप्ड बेबी नहीं है, अर्ली स्टेज में ही डेवलप हो जाता है इसका, है ना, और इसको नेचुरल आईसीयू में रखा जाता है।
नेचुरल आईसीयू कहने का मतलब इसका पाउच, ठीक है, उसी में बहुत दिन तक रखा जाता है, बच्चा बाहर भी निकल सकता है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसको इतना इंटेंस केयर देना पड़ता है बर्थ के बाद, ठीक है। चलिए ये सब कुछ एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल याद करो यू विश, जरूरी नहीं है कि सब एग्जांपल याद रखो, कोई भी एक याद रखोगे चलेगा। खत्म होता है यहाँ पे ये चैप्टर। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ अब तो पोल्यूशन स्टार्ट करें या फिर क्या करें, अगला चैप्टर स्टार्ट करें या फिर क्वेश्चन डिस्कस करना है एनसीईआरटी से। पोल्यूशन आप लोग में नहीं, किसने है पोल्यूशन चैप्टर? पोल्यूशन इज देयर इन क्लास 8, फाइन। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेस स्टार्ट करेंगे। ये डोबी मासी का रिकॉर्डिंग है ना, क्या बोल रहे हो? नानी का फोन, बहुत पहले एनसीईआरटी निकालो और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तक मैं नेचुरल रिसोर्सेज वाला बुकलेट मंगवाता हूँ। अच्छा फोन से नानी बात कर रही थी, बहुत बोल रही है सर। हाँ गांव में बोल हाँ अभिषेक सर, क्लास 9 का एक बुकलेट सेंड कर दीजिए ना, नेचुरल रिसोर्सेस नाम बुकलेट, बायोलॉजी का थ्योरी थ्योरी थ्योरी, वो क्लास 10 का था, वो क्लास 10 के बारे में पूछे होंगे। अभी मेरे को 9th का चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस। हाँ और क्लास 10 का जो बोले थे वो भी भेज दीजिएगा। हाँ हाँ दिखे ना, भेजिए ना, टेलीग्राम पे भेजे हैं क्या? चेक करता हूँ। अच्छा 9th का भी एक बार भेज दीजिए ना, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक हाँ हाँ अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट। हाँ मिल गया, 10th का तो आज रखा है, देखना है। हाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ देर में हम नेचुरल रिसोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं।
क्योंकि नेचुरल फूड इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है ना. हेलो यस सर. ये भी नहीं हुआ है. फाइन, ये भी बाकी है. सो ये स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है. उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं. सर नेचुरल रिसोर्सेज पहले नहीं होगा? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया है जैसे डाइवर्सिटी डिलीट था. एग्रीकल्चर वाला? हाँ, एग्रीकल्चर वाला. What they are doing यार, जो मेन इम्पोर्टेंट है वो तो हटा दे रहा है लोग. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस तो आसान है, खुद से भी कर सकते हैं आप. ज्यादातर आप ही लोगों को करना होगा. CROP. चलो इसी को कर दे रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस. So natural resources means the resources which is present on this planet Earth, जिसका utilize हम लोग कर रहे हैं for our betterment. हम अपने need को, wants को fulfill करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं nature से. वो चीज़ें को ही हम लोग resources कह सकते हैं, natural resources कहेंगे. Fine, natural resources का source है flora and fauna. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स है. उसके बाद कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी है, जैसे पानी हो गया, एयर हो गया. फाइन, मिनरल्स प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के नीचे, वो सब भी नेचुरल रिसोर्सेस है. फाइन, सो नेचुरल रिसोर्सेस को हमने दो भागों में बांट रखा है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल कहने का मतलब विच कैन नॉट बी वैनिश फ्रॉम दिस प्लैनेट अर्थ. कितना भी इस्तेमाल करे वो खत्म नहीं हो सकता, इसको हम लोग कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल. इट कैन नॉट बी एग्जॉस्ट. फाइन, इट कैन बी रिप्लेस्ड. ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. फाइन, एग्जॉस्टेबल कहने का मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाना है पृथ्वी से, इसको कहेंगे हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, एग्जॉस्टेबल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मींस इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू करेंगे तभी बचेगा, नहीं तो ये भी पॉल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. फाइन, वाटर, सोयल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स, ह्यूमन. रिन्यू कहने का मतलब कि छोड़ देंगे, गंदगी करना छोड़ देंगे, अपने आप साफ हो जाएगा. डर्टी तो प्योर वाटर का क्वांटिटी कम हो जाएगा, है ना, तो उसको हम कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना, गंदगी करना छोड़ देना, अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाना है. वाटर साइकिल भी तो है. हाँ, वाटर साइकिल के थ्रू ही तो हो रहा है ये क्लीनिंग. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार आ गया पृथ्वी पे लिमिटेड क्वांटिटी में, वही रहना है, धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा. फाइन, इसको रिन्यू नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते. रीजन क्या है, इसको बनाने में हजारों साल लग जाते, इसलिए इसको बनाने नहीं. हाँ जी बोलो सर. आज तक तो साइंस में यही सुनते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, तब वो अलग सेपरेट हो गया. रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, जो लेफ्ट में दिया. चलो इसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर दे रहे तुम्हारे लिए. प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर कर दे रहे. ठीक है, तो प्योर वाटर को यदि प्योर वाटर के बारे में हम नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो प्योर वाटर खत्म हो जाएगा.
इट कैन बी एग्जॉस्टेड, है ना, प्योर वाटर के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि सोइल की फर्टिलिटी है, जैसे सोइल है, सोइल तो खत्म नहीं होगा लेकिन सोइल की फर्टिलिटी तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, ना सर, ठीक है। ये वाटर यहाँ पे प्योर वाटर एक्चुअली करना है इसको। हाँ जी बोलो सर। सर राइट में दिया हुआ बायोलॉजिकल स्पीसीज और लेफ्ट में दिया हुआ वाइल्ड लाइफ एंड एक्वाटिक एनिमल, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, कहाँ पे दिया हुआ है सर? ये एग्जांपल्स में राइट में दिया हुआ बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो वाइल्ड लाइफ भी दूसरी में आ गया ना। वाइल्ड लाइफ कहाँ है, बायोलॉजिकल स्पीसीज सर एग्जांपल में सर, नेचुरल वेजिटेशन के नीचे। हाँ ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिन्यूड कहने का मतलब, ओके एग्जांपल दे रखा है रिन्यूएबल, ओके ओके। फॉर एग्जांपल है एनिमल्स जंगल में रहने, है ना, इसको मतलब एक जानवर मर, जानवर हम लोग ला सकते हैं, कहने का मतलब ये। फॉर एग्जांपल एक हर्बीवर है, फाइन, इसलिए इसको रिन्यूएबल के अंदर रखा गया है। अब नॉन रिन्यूएबल के अंदर स्पीशीज कहने का मतलब पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वल्चर, ठीक है, वल्चर एक स्पीशीज है, वल्चर एक स्पीशीज है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, हम लोग नहीं ला सकते, डायनासोर को हम लोग दोबारा नहीं ला सकते, फाइन, लेकिन स्केवेंजर्स को तो वाइल्ड के अंदर ब्रॉड कैटेगरी है, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी है, इसके अंदर कार्निवर्स, हर्बीवर्स, इन सब की जिक्र करेंगे हम लोग, उन सबको लाया जा सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी से यदि वनिश हो जाए तो दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वल्चर का, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, स्किकाउ एक्सटिंक्ट हो चुका है, मिनरल्स एंड फॉसिल्स, ठीक है, ये सब रिन्यूव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत समय लगाता है बनाने के लिए। नो चांस ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड, दिस रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर, हाइड्रोपावर, टाइडल एनर्जी, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी में, कोल, पेट्रोलियम एंड फोर्स्ड। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस देखेंगे जरा, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, कमान कमान पढ़ो, ये खुद से पढ़ने वाला चैप्टर है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कमान गो अहेड। पढ़ो उसको, किताब आगे पढ़वाएंगे हम। वाटर के रिजनरेशन कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? वाटर का कैपेसिटी ऑफ रिजनरेशन, प्योर वाटर का रिजनरेशन होगा, जब भी यहाँ पे जिक्र करेगा ना प्योर वाटर, यदि रिचार्ज से रिलेटेड है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर, है ना। तो प्योर वाटर के लिए क्या करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पीकिंग टेंडेंसी रखना होगा, कोशिश करना पानी बहे नहीं नालों में, नदियों में, जहां पर है वहीं पे रह के नीचे चला जाए, वाटर टेबल में चला जाए, सर। 3 नंबर समझा सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का?
3 non renewable availability can be enhanced by increased extraction but it will cause early depletion. अरे यार मान लीजिए चलो कोल है या पेट्रोलियम है, हम इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आज हम 10 ट्रक कोयला निकालें, मेन पावर लगा के 20 ट्रक कोयला निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ये इसका मतलब। नेक्स्ट पढ़ो जरा। सर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को रिलेट कर सकते हैं क्या? रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल कर सकते हो, कर सकते हो। रिन्यूएबल हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, फाइन है ना, कर सकते हो। नेक्स्ट इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स को इम्प्योर नहीं किया जा सकता ना? क्या बोल रहे हो? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स को इम्प्योर नहीं किया जा सकता ना? अरे एग्जॉस्टेबल इम्प्योर का बात ही नहीं, वो खत्म हो जाता है, जैसे कोयला है, एग्जॉस्टेबल है ना कोयला? इनएग्जॉस्टेबल सर, इनएग्जॉस्टेबल। अच्छा हाँ हाँ, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को इम्प्योर नहीं किया जा सकता ना? जैसे कि विंड है, जैसे कि एयर है, एयर इज व्हाट? एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। तो एयर पॉल्यूशन होता है कि नहीं? वाटर इज ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, ये भी इम्प्योर होता है। सर इसका मतलब सर इम्प्योर वाटर इनएग्जॉस्टेबल और प्योर वाटर एग्जॉस्टेबल? यस, यदि आप टेक्निकली समझना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक ना। ओवरऑल वाटर को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल कहेंगे, ओवरऑल वाटर को, फाइन। उसमें भी आप सिर्फ जिक्र करोगे प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर को हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट इज एग्जॉस्टेबल, फाइन। यदि उसकी फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, उसको प्योर करने की तरीका नहीं ढूंढेंगे, तो ये खत्म हो सकता है, प्योर वाटर खत्म हो सकता है। जैसे कि फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टॉप हो चुका है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? नो सर। अच्छा ठीक है, आप लोगों के पास बुकलेट है कि नहीं इस चैप्टर का? कहां पर थे? जैसे कि हम एग्रीकल्चर के टर्म से समझा रहे थे आप लोगों को, ठीक है, एग्रीकल्चर के टर्म्स में। फर्टिलिटी खो जाना का मतलब क्या है? सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो गया, मतलब सोइल के नेसेसरी रिक्वायरमेंट वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो गया, मतलब क्या हो गया? एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया ये,
है ना, एग्जॉस्ट हो गया, इसका मतलब ये है। वही है प्योर ओवरऑल वाटर का हम लोग क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टेबल कंसिडर करेंगे ओवरऑल। अब प्योर वाटर आ जाएगा तो उसको हम लोग एग्जॉस्टेबल कह सकते हैं। सर यहाँ प्योर वाटर मतलब पोटेबल या ड्रिंकिंग वाटर है? ड्रिंकिंग वाटर खाने पीने वाला जो पानी है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, 0 point something। आगे बढ़ो, सब आएगा। क्या है रिन्यूएबल? रिन्यूएबल के अंदर एग्जांपल है ना, देखो तो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहने का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर जो प्योर रेन वाटर जो परकोलेट होके ग्राउंड ग्राउंड शिफ्ट हो जाता है। हाँ नेक्स्ट, फिर थोड़ा सर। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? यस टेल मी सर, अगर किसी कोई रिसोर्स जो है वो रिन्यू हो रहा है तो फिर सर वो अल्टीमेटली एग्जॉस्ट कैसे हो जाएगा? रिन्यू हो रहा है मतलब रिन्यू होने की जरूरत क्या थी? एज इट इज रहता वो तो। रिन्यू हो रहा है इसका मतलब कोई तो इस्तेमाल किया है तभी तो रिन्यू हो रहा है, नहीं तो रिन्यू शब्द यूज करते ही नहीं, उसको न्यू शब्द यूज करते हम लोग। ओके चलो, एयर के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रीथ ऑफ लाइफ दैट इज एयर, पढ़ो जरा इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो आप लोग समझ लायक नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। पढ़ो इसको।
एयर से क्वेश्चन आता है जी. सर इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. हाँ, इसका मतलब नहीं समझ में आया. ओके, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट अर्थ. व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट अर्थ. 18 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो होता क्या है, एयर बोल सकते हैं, एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट. एक बार यदि आ जाए हीट पृथ्वी के पास तो दोबारा जाता नहीं है आसानी से, है ना. तो हीट को ट्रैप करके रखता है एयर. फाइन, इसीलिए हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर होता है हमारे पास मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है. ओके, सर ये भी तो बोल सकते हैं कि एयर इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. कौन सा एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना. सर प्रीसाइजली ये बोल सकते हैं ना कि एयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. लिसन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो पार्टिकुलर गैसेस ही टेम्परेचर को बढ़ाता है, वो भी ज्यादा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही पूछो, आगे बढ़ो. तो हाँ जी, तुम कुछ पूछ रहे थे जी. यू आस्किंग समथिंग. सर हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे थे गैसेस के बारे में. जो ग्रीन हाउस गैसेस, किसी ने कुछ अल्टर करा बीच में. वो तो सर पिछला क्वेश्चन में ही थोड़ा ग्रीन हाउस गैस ऐड करा. अच्छा ठीक, आगे पढ़ो तब. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, इसको खत्म करो. सर फ्यूचर में सर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकता है जिसमें एटमॉस्फेरिक ट्रांसप्लांटेशन हो सके. एटमॉस्फेरिक क्या? एटमॉस्फेरिक ट्रांसप्लांटेशन. हाँ जी, कुछ समझ नहीं पा रहे. सर ही इज आस्किंग कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा फ्यूचर में जिससे एटमॉस्फेरिक ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो. हमको एटमॉस्फेरिक ट्रांसप्लांटेशन ही समझ में नहीं आया. मतलब क्या, हवा में पौधा लगाना? हो सकता है, यदि तुम सोच पा रहे हो तो हो सकता है हो जाए. सर ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? पता नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है ऐसा सा टेक्नोलॉजी आ जाए जो हो जाए काम. कुछ भी पॉसिबल. कमान कमान, आगे पढ़ो. ये रोल ऑफ
एटमोस्फियर इन द क्लाइमेट कंट्रोल पढ़ो वहां तक, हाउ विंड कंट्रोल्स द क्लाइमेट वेदर ऑफ एरिया, पढ़ो आसान है ये सब। सर हाँ सर, जब सर कोई चीज रेडिएट होता है तो सर वो रेडिएशन में पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएट हो रहा है तो बोल सकते हैं जैसे कि रेडिएशन, आपके ये फिजिक्स वाले सर अच्छे से बता पाएंगे रेडिएशन के बारे में, ठीक ना, जैसे कि हम बोलते हैं सन रेडिएशन, तो वहां से फोटोन आता है, यस समथिंग इज कमिंग आउट उसके पास। सर कहा जाता है कि अर्थ जो है हीट को रेडिएट करता है, तो सर जब रेडिएट हो रहा है तो ग्रेविटी के कारण रेडिएशन तो पॉसिबल नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं, उसके पास इतना ज्यादा एनर्जी है कि वो वापस चला जाए ग्रेविटी को, स्केप वेलोसिटी ओवरकम कर दे, यस दैट इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसका स्केप वेलोसिटी ज्यादा है। आगे पढ़ो, एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ बफर का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ बफर, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 किस में, लास्ट वाला? यस सर, बफर, बफर द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ बफर। बफर मान के चलिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक ना, एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर अलग अलग चीजों को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया जाता है, वो है बफर। एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़े, हो गया सर, फाइन फाइन। पॉइंट नंबर 2 एक बार बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं पॉइंट नंबर 2। सिंस द एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ फेयरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड आल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। 18 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। सी, वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन, है ना, तो उस एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं। एक बार यदि पृथ्वी पे आ जाए, है ना, तो वो दोबारा स्केप आउट नहीं होता है आसानी से, क्योंकि एयर बीच में आ जाता है, एंड वी नो दैट एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट।
आगे बढ़ो, इसको करेंगे जरा, ठीक है। द डे एंड द नाइट एटमॉस्फेयर शोस अ ग्रेट डिफरेंस वेयर द एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट। मून का टेम्परेचर देखो, -90 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मॉन नेक्स्ट, जिसका हो जा रहा है वो क्वेश्चन करता रहेगा जी। टास्क कर लो जरा, ये टास्क एक एक्टिविटी दिया हुआ है उसको भी करेंगे आप लोग। हो गया, आगे बढ़े। सर ये एयर करंट्स क्या होता है? एयर करंट, करंट कहने का मतलब बहना, एयर का बहना, ठीक ना, बहना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सर एयर करंट को कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं ना? कन्वेक्शन करंट आई डोंट नो, उसके बारे में नहीं पता। यस सर, क्योंकि बोलते हैं सर इसको कन्वेक्शन करंट। आई डोंट नो, फिजिक्स का टर्म होगा, मुझे नहीं पता। आगे बढ़े इसमें, मूवमेंट ऑफ एयर इन कोस्टल एरियाज, दिस इज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। आप पढ़ चुके हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। दिन के समय में, दिन के समय में बालू वगैरह जो मिट्टी वाला एरिया है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, वहां का एयर गर्म हो जाता है, ऊपर की ओर मूव करेगा तो उसके नीचे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा व्हिच इज फिल्ड बाय द एयर फ्रॉम सी, क्योंकि सी के ऊपर का टेम्परेचर अभी भी ठंडा है क्योंकि पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है ना। तो यहाँ पे पानी मूव करा फ्रॉम वाटर टू लैंड, फ्रॉम वाटर टू लैंड, इसको हम लोग कहेंगे क्या? ठीक है, देख पा रहे हो डायग्राम नंबर ए में, सी ब्रिज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सी ब्रिज, सी ब्रिज कहेंगे इसको। लैंड ब्रिज क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा देख लेंगे, सी ब्रिज लैंड ब्रिज में। रात के समय में क्या हो जाएगा, रात के समय में है ना, जमीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, हाँ बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा है ना, लेकिन पानी अभी भी गर्म है, उसको ठंडा होने टाइम लगेगा। उसके ऊपर का पानी, सॉरी पानी के ऊपर का हवा अब गर्म होने लगेगा, ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, फाइन, ऊपर की ओर मूव करेगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा व्हिच इज फिल्ड बाय द एयर फ्रॉम लैंड, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। चलो आगे, सर बोलो। सर ये नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर सर अभी एयर पे क्यों कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मतलब एक यही है क्या नेचुरल रिसोर्स? एयर होगा आगे, एयर तो खत्म करो उसके बाद वाटर आएगा, सोयल आएगा, है बहुत सारा आपके सिलेबस को जो प्रेस्क्राइब करा गया है वही पढ़ना है। सर सर कोई पर्सन है कोस्टल रीजन में तो सर जब लैंड ब्रिज बहता है तब उसको कैसा महसूस होगा कि उसका उसके आसपास का टेम्परेचर उसको गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा? हवा बहता रहता है वहाँ पे, लैंड ब्रिज के समय सर उसको हॉट लगेगा कि तो ठंडा ठंडा लगेगा,
क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है ना, हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, तो गर्म हवा तो रहा नहीं, जो भी मूव करेगा नीचे की तरफ वो ठंडा हवा मूव करेगा। आगे बढ़ो। द एयर पोल्यूशन कम ऑन, एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ प्योर एयर दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सर H2S फ्यूम्स क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के धुआं। वेरी गुड क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत अच्छा। कम ऑन, गो अहेड गो अहेड। आसान चैप्टर खुद से कर सकते हो। सर कार्बन डाइऑक्साइड सर पॉल्यूटेंट्स में क्यों आता है? वो तो एक परमानेंट कॉम्पोजिशन है ना एयर का। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ हो तब उसको पॉल्यूटेंट कंसीडर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के पास थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, इट कैन क्रिएट हीट, ग्रीन हाउस गैस है एक प्रकार से। सो नॉर्मल कंसेंट्रेशन में रहे तो इसको पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं करेंगे, नॉर्मल कंसेंट्रेशन 0.03 से बियॉन्ड बढ़ेगा तब उसको पॉल्यूटेंट कंसिडर करेंगे। से ग्रिट क्या होता है? क्या क्या स्पेलिंग? GRIT लास्ट लाइन सेकंड लाइन। छोटा छोटा क्या बोलेंगे, छोटे छोटे कंकड़ की तरह जो होते हैं ना उसको ग्रिट कहते हैं।
आगे बढ़ें सर. हाँ बोलो सर. एयर पॉल्यूशन का हम लोग हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट के कारण पढ़ते हैं, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज से जो जो ड्रॉबैक है उसको हम इस मतलब इस सेंस में समझ सकते हैं कि उसे जो डिफ्यूजन के कारण हर पार्ट का एयर का हर पार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज होगा उसके कारण हम लोग मतलब एक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले लेंगे तो उससे हम लोग एनर्जी कम मिलेगा बॉडी में. बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यदि बढ़ा दें, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा उतना इफिशियंटली हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमें कम ऑक्सीजन मिलने लगेगा. सर बोलो सर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाता होगा? कार्बामिनो, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन कहेंगे उसको, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. स्पेलिंग लिख सकते हैं क्या? बोलो क्वेश्चन फिर से बोलो जरा. कार्बामिनो हेमोग्लोबिन को स्पेल कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले क्या पूछे थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और सर कार्बन मोनोऑक्साइड सर हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्पेलिंग चाहिए इसका. यस सर. राइट डाउन सी ए आर बी कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन कहते हैं उसको. ठीक है, ये मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा. फाइन सीओ ये कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन है, इसमें अमीनो लगा हुआ है, कुछ अमीनो एसिड का भी काम है क्या इसमें? आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें पता चलेगा क्या होता है ओरिजिनली, क्यों कहते हैं इसको कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन. और एक को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये CO2 के साथ करेगा. ठीक है, अमीनो ग्रुप बाय डिफॉल्ट इट इज देयर इन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं. आगे बढ़े. यस सर. ठीक, ये पढ़ो.
आप लोगों को बुकलेट मिल चुका है ना इस चैप्टर का? यस सर। ठीक है, फिफ्थ जून हो गया, ये हो गया डस्ट पार्टिकल। चलो चलो चलो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। नाउ सर आप फिजिकल बुकलेट का बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी? हाँ फिजिकल फिजिकल। सर मुझे नहीं मिला, मुझे पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे, मैं बोकारो में नहीं जाके कलेक्ट करेंगे। आप कहाँ? मैं फुसरो। फुसरो आ गए, जाके ले लेना, नजदीक तो है फुसरो। हाँ जी बोलो सर, ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है सर, इसमें हार्डली 0.5% छोड़ के तो और सारा तो अनअवेलेबल है ना ग्लेशियर्स और आइस कैप के फॉर्म में? हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ सरफेस 97 फाउंड इन सीज एंड ओशंस, इट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, द रेस्ट 2.5 इज फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर किसके फॉर्म में? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में है, है ना, वेपर्स के फॉर्म में ग्लिस्टर कर रखा है, पौधों के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ो, थोड़ा स्क्रॉल फॉरवर्ड कीजिएगा। यस सर। कौन सा पॉइंट नंबर? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसमें तो क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन है, बस इतना तक ही है। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, ये रहा नेक्स्ट पेज। हाँ ये करो।
सर पॉइंट फोर पॉइंट नंबर फोर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन आवर बॉडी and within the cell occurs between the substances that are dissolved in water. And water एक aqueous condition देता है, मतलब कि पानी चाहिए होता है, liquid medium चाहिए होता है reaction होने के लिए, है ना? Point number one or four interrelated है ना वो? Point number one or four? Cellular process takes place in water medium. बोल सकते हो कि है ये? चलो आगे हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे देखो वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पे आएंगे। सर हाँ बोलो। सर वाटर पोल्यूशन का सेकंड लाइन जो है वहां पर टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है? कंपोजिशन होना चाहिए कहाँ पे? वाटर पोल्यूशन का सेकंड लाइन। हाँ चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये लिखा है ना? यस सर। है ना, गंदे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि गंदे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म करेंगे, तब मेटाबोलिक हीट बाहर सराउंडिंग में रिलीज होगा ना, तो उसी के चलते पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है सर। और टेम्परेचर चेंज होने से क्वालिटी कैसे डिग्रेड होगा? क्वालिटी डिग्रेड होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूजफुल है,
सर हाँ आगे बढ़ो यस सर हीट को सर फिजिकल वाटर पॉल्यूटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक अच्छा मतलब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर देता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हीट को फिजिकल क्यों कहा गया यार तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना तो सर वाटर पॉल्यूटेंट क्यों कहा गया हाँ फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे हो सर हीट को वाटर पॉल्यूटेंट क्यों कहा गया हीट को वाटर पॉल्यूटेंट अच्छा हाँ पॉल्यूटेंट कहने का मतलब क्या होता है जो किसी ओरिजिनलिटी को बर्बाद कर दे खराब कर दे है ना तो मान के चलो पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो खराब हो गया ना पानी वो तो यूजेबल फॉर्म में नहीं है इसीलिए कहा गया अपना ओरिजिनल कंडीशन को वो लॉस्ट कर चुका है खो चुका है इसीलिए चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग है ना लास्ट में मेरा एक डाउट सॉल्व कर देना हाँ हाँ बोलो सर कॉम्प्लेक्स सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल्स मिल के वो पार्टिकुलर टिश्यू सिस्टम को बना रहे हैं फाइन और ऑर्गन बनता है जब ढेर सारा सेल्स मिलते हैं तब उसको ऑर्गन कहेंगे इसे ऑर्गन का बता सकते हैं क्या मिलता है ऑर्गन ऑर्गन एक पार्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा है ना तो वास्कुलर बंडल को एक ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं ऑर्गन हम लोग शब्द यूज नहीं करते हैं प्लांट्स पूरा वास्कुलर बंडल को हम एक ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं ठीक है समझे यस सर सर किसी ऑर्गन में तो कोई डेड एलिमेंट नहीं होता है ना क्या ऑर्गन में सर कोई जो ऑर्गन है तो सर उसमें तो कोई डेड एलिमेंट तो नहीं होता है और ये जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें तो डेड एलिमेंट्स रहते हैं सारे का सारे डेड नहीं है ना क्यों नहीं बोल सकते ऑर्गन बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सर लेकिन सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी एक से ज्यादा टाइप के सेल होते हैं ऑर्गन में भी एक से ज्यादा टाइप के सेल होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि वास्कुलर बंडल आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का काम करता है और ऑर्गन भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो डिफरेंस कैसे हो तो यहाँ पे हम वास्कुलर बंडल को ऑर्गन कंसिडर करेंगे ना तो वास्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम दोनों आएंगे ना वास्कुलर बंडल ठीक है जाइलम एंड फ्लोएम They are conducting tissues, conducting organ. ठीक है यहाँ पे आप synonym use कर सकते हो लेकिन ये सभी जगह apply नहीं होता है सभी जगह apply नहीं कर सकते organ कहने का मतलब वो protected होना चाहिए fine उसको replaceable होना चाहिए किसी दूसरे organ से हम replace कर दे ना organ का definition कुछ अलग है
ओके गाइस पढ़ेंगे, ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं। हाँ बोलो। फिर एक और प्रॉब्लम है सर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उसका सर रियल लाइफ कौन सा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है? क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। रियल लाइफ में यही है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, वही उसका डेली लाइफ से रिलेटेड। सर वो चैप्टर का इन्वेंशन जो है वो सर हम लोग का क्यूरियोसिटी के लिए हुआ है कि और किसी का? नहीं नहीं नहीं, क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, नए ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, है ना, इसके लिए। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, इसके लिए रिलेट कर पाएंगे। तो यदि पहल का ऑर्गेनिज्म को कुछ दिक्कत है तो दूसरे के ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके पहल के ऑर्गन को हम ठीक किया जा सकता है ना। एक दूसरे के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, डिफरेंस एस्टेब्लिश करेंगे, सिमिलैरिटीज एस्टेब्लिश करते हैं। सिमिलैरिटीज है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकता है दूसरे को, इसलिए हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी। मेन रीजन ये डाइवर्सिटी स्टडी करने का। सर अभी इस स्टैंडर्ड में हम लोग को जितना डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है सर, उससे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्लासिफाई करने के लिए तो नहीं, जो जो डॉक्टरेट लेवल पे पढ़ाई करते हैं ना वो लोग करते हैं, आप लोग को बस बेसिक चीजें बताई गई है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ओके गाइस, हम साइनिंग ऑफ, क्वेश्चन रखेंगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।